हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। मेरे पति जो कि कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, 2-3 महीने तक घर नहीं आते हैं। हमारी फैमिली में हम 5 लोग रहते हैं, मेरे पति, मेरे जेठ जी, मेरे जेठानी जी और मेरी सासू माँ। मेरे जेठ जी की लोकल शॉप पर ही शहर में ही काम करते हैं और जो मेरी जेठानी जी, उनका नाम सुशीला है। हम दोनों घर का काम संभालती हैं और मेरी सासू माँ पूजा पाठ में लगी रहती है। अब मैं सीधा कहानी पर आती हूँ। एक दिन मेरी सासू माँ और उनके मायके चली गई, क्योंकि वहाँ उनकी भतीजी की शादी थी और वो 10-12 दिन रुकने वाली थी। और उसके 2 दिन बाद ही मेरे जेठानी जी को फोन आया कि उनके मायके से उनकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो उनको उसी दिन में ही उनके घर जाना पड़ा। और वहाँ मुझसे कहकर गई थी कि तुम्हारे जेठ जी का ख्याल रखना, उनको टाइम पर खाना वगैरह दे देना और मैं उनको फ़ोन करके बता दूंगी। और ऐसा कहकर वो चली गई। मैंने कहा ठीक है और वहाँ अपने मायके चली गई। फिर मैं अपने घर के काम में लग गई और काम करते करते मुझे शाम हो गई और 6 बजे के करीबन जेठ जी घर पर आ गए और उसी वक्त तक मैं किचन में काम कर रही थी। मेरे जेठ जी को नहीं पता था कि मेरी जेठानी जी उनके मायके गई हुई है और वहाँ सीधे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। बाथरूम से उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि सुशीला, तौलिया लेकर आना। अब क्योंकि वहाँ पर जेठानी जी नहीं थी तो मुझे ही तौलिया लेकर जाना था, तो मैं तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ चली गई और बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो जेठ जी ने दरवाज़ा खोला। और मैं जो ही अंदर टावल के लिए आके हाथ बढ़ाया तो जेठ जी ने मुझे सुशीला समझकर अंदर खींच लिया। मैं एकदम से सक पका गई, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे खींचा, मुझे अपनी बाहों में ज़ोर से जकड़ लिया। मैं घबरा गई, मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी और उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मुझे अपनी तरफ मोड़ा। और जैसे उस वक्त मुझे किस करने लगे तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वहाँ भी सक पका गए और मुझे वहीं छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं भागकर किचन में चली गई। मैं तो पानी पानी हो गई थी, मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी और मैं धीरे धीरे किचन में जा खाना बनाने लग गई। मेरे जेठ जी फ्रेश होकर बाहर आ गए और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि प्रिया, खाना बना लगा दो। मैं तभी आवाज़ में बोला कि ठीक है, ला रही हूँ। और मैं खाना लेकर आ गई। मेरी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। जेठ जी ने मेरी तरफ़ देखा और बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें सुशीला समझकर पकड़ लिया था। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो नहीं किया है। मैंने नज़रें झुकाकर और दबी आवाज़ में यह कहा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सुशीला क्यों नहीं आई, वो कहाँ है? तो मैंने कहा, वह उनके मायके गई हुई है, उनकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो जेठ जी बोले कि उसकी मेरे पास मिस कॉल भी आई थी, लेकिन मैं किसी कारण व्यस्त था, इस कारण से उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। फिर जेठ जी ने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं, तो मैंने बोला कि मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लीजिए। यह भी मैंने नज़रें झुकाकर दबी हुई आवाज़ में बोला, क्योंकि मेरे मन में बाथरूम वाला सीन बार बार आ रहा था कि कैसे मुझे जेठ जी ने कसकर पकड़ा हुआ है और मुझे चुम्बन करने वाले थे। मैं मदहोश हो गई थी। तो जेठ जी ने फिर बोला, इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। तो मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं जेठ जी। या तो फिर वापस बोला कि चलो मेरे साथ बैठो और खाना खाओ, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बैठा लिया। फिर उन्होंने इधर उधर की बातें की और मेरा मूड फ्रेश कर दिया। हम दोनों ने अच्छे से साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी रात में नींद खुली, उसके बाद क्या हुआ अगली कहानी में आपको बताती हूँ।